बात करते हैं कुछ सिस्टम्स की। ठीक, दुनिया वालों ने चीजों को नापने के लिए एक सिस्टम बनाया, एक क्या बहुत सारे सिस्टम्स बनाए। जनरली जो वेल नोन सिस्टम्स है वो कुछ ये है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। पहला जो सिस्टम है वो है एमपीएस सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम, तीसरा सिस्टम है आपका एफपीएस सिस्टम, और चौथा जो सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम। इनका फुल फॉर्म समझते हैं। एमपीएस सिस्टम में देखिए, जनरली हम लोग जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग मास, लेंथ और टाइम के साथ डील करते हैं मैकेनिक्स में जनरली। तो देखिए एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर, मतलब जब भी हम लोग लेंथ मेजर करेंगे मीटर में करेंगे। के का मतलब होता है किलोग्राम, मास मेजर करेंगे किलोग्राम में, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक इसी तरह से यहां पर होगा सेंटीमीटर, यहां पर जी का मतलब ग्राम, और इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर से सेकंड। एफपीएस मतलब होगा फुट, और होगा क्या पाउंड, और क्या होगा सेकंड। और एसआई सिस्टम जो है वो एमपीएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड वर्जन है। कैसा वर्जन है? मॉडिफाइड। एमपीएस सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो एसआई सिस्टम है। ऐसा क्यों बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन, ये बात भी समझे। देखिए एमकेएस में, एसआई सिस्टम में भी जो लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर ही होगा, मास का यूनिट भी केजी ही होगा, ठीक है, और सेकंड भी सेकंड होगा। लेकिन यहां पर कुछ, जैसे कि मैं बोलूं फोर्स, तो फोर्स का यूनिट अगर आप निकालो तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एमकेएस के हिसाब से इसका यूनिट क्या होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एसआई में हम इसको बोल देते हैं न्यूटन। क्या बोल देते हैं? न्यूटन। अब न्यूटन बोल करके क्या हम साबित करना चाह रहे हैं भाई साहब? बस सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? सम्मान। एमपीएस में अगर मुझसे कोई इसका यूनिट पूछता तो मैं बोलता केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एसआई में इसे न्यूटन कहा गया। बाकी मतलब वही है, एमके और एमपीएस और एसआई एकदम सेम टू सेम है, एमपीएस और एसआई एकदम सेम टू सेम है, ये बात आप समझ लें। बस इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक, अब हमें जो पढ़ना होता है, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनली अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब दुनिया के सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं और इसी को हम पढ़ेंगे हमारे फिजिक्स में। जनरली हम इसी से बात करेंगे हमेशा, एसआई सिस्टम्स। कौन सा सिस्टम्स? एसआई सिस्टम्स। तो आइए एसआई सिस्टम्स को और अच्छे से समझें क्या है। एसआई सिस्टम्स वालों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा। मैं बताता हूं आपको क्या क्या। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा। फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स। इसे बोला गया क्या क्या? सबसे पहला क्वांटिटी बोला गया फंडामेंटल। कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा बोला गया डिराइव क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटीज बताई गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? देखिए वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए वो खुद ही काफी है, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब उनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। दे कैन रिप्रेजेंट देयर सेल्फ ऑन देयर ऑन, दे डू नॉट वांट एनी अदर टू देयर रिप्रेजेंटेशन। यस और नो? तो वो क्वांटिटीज एसआई वालों ने बताया कि सात होती है, जिसको मैं अभी लिखने वाला हूं। बताया कि मास, बताया कि लेंथ, बताया कि टाइम, बताया कि टेम्परेचर, बताया कि इलेक्ट्रिक करेंट, बताया कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, बताया कि इंटेंसिटी ऑफ या इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। ये सात, बेसिकली ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, है ना, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को दिया गया मोल, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी को कैंडेला, ये सब दिया गया। अब थोड़ा और समझते हैं इनको। जितने भी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अगर एम्पियर है
क्या है एम्पियर, तो मैं उसको कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि दैट इज ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। अगर मैं लिखूं केल्विन टेम्परेचर का यूनिट तो मैं उसको भी कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के नाम पे। लेकिन जब मैं मास लिखूंगा केजी तो मैं स्मॉल में लिखूंगा, जब मैं लिखूंगा लेंथ तो मैं लिखूंगा मीटर वो भी स्मॉल में लिखूंगा, जब मैं टाइम लिखूंगा तो सेकंड वो भी किस में लिखूंगा स्मॉल में। तो स्मॉल लेटर्स में उन यूनिट को रिप्रेजेंट कीजिए जो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, और जो साइंटिस्ट के नाम है उन्हें कैपिटल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज इतनी बताई गई। अब देखिए मास को डिफाइन करने के लिए क्या लेंथ की जरूरत है, मेरे पास 2 किलो आलू है, अरे कितना लंबा कौन पूछता भाई, 2 किलो तो 2 किलो है ना, यानी मास को कभी भी रिप्रेजेंट होने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं है और लेंथ को कभी भी रिप्रेजेंट होने के लिए टाइम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया में कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो इनकी मदद से रिप्रेजेंट की जा सकती है जिन्हें हम क्या कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं स्पीड, क्या बोलूं स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू आप बोलते हो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हो आप स्पीड। ठीक है ना, तो भाई साहब ये बात तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस क्या डिस्टेंस इज समवॉट रिलेटेड टू लेंथ एंड टाइम इज टाइम। तो देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है स्पीड, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है स्पीड वो कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि लेंथ डिवाइडेड बाय क्या लिखी जा सकती है टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए एक लेंथ और एक टाइम की मदद से किसको दिखाया गया स्पीड को, किसको दिखाया गया स्पीड को। तो स्पीड इसलिए एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका और बहुत सारे एग्जांपल है एक्सीलरेशन फोर्स वर्क डन पावर डेंसिटी एरिया वॉल्यूम सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से इनको दिखाया जा रहा है। और आप समझे एसआई वालों ने सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बताया, कुछ और भी बताया, फंडामेंटल और डायरेक्ट तो बताया, ये सात तो बताया,